14 अगस्त आए और जश्न ना मनाए। मटकन्नी 14 अगस्त की जश्न मनाने के लिए लोग पुरजोश, तैयारियां उरूज पर। 14 अगस्त की रात को शानदार आतिशबाजी की गई और आज़ादी रैलियां भी निकाली गई। लोगों का कहना है कि हमारे बड़ों ने आज़ादी के लिए जितनी कुर्बानियां दी वो अल्फाजों में बयान नहीं हो सकती। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं सरफराज अहमद तारर, टीवी 99 न्यूज़ HD मंडी भावलदीन से। 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है। इस दिन हमारा मुल्क पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की बहुत सख्त मेहनतों और कुर्बानियों से मार्ज वजूद में आया है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खबर शामिल करते हैं फालिया से। आल पाकिस्तान तंजीम मुगलिया पंजाब के सदर मिर्जा मोहम्मद आरफ, कैप्टन मोहम्मद हनीफ, मिर्जा मोहम्मद लतीफ के वालिद मोहतरम मियां रहमत अली का कुल शरीफ का खत्मे पाक उनके आबाई गांव पिंडीलाला मस्जिद सैयद मकबूल हुसैन शाह में पढ़ा गया। खत्मे कुल शरीफ में सियासी व समाजी हजरात ने भरपूर शिरकत की। बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। इसके बाद नात खां हजरात ने गुलाए अकीदत पेश किया। आखिर में खताब फाजल नौजवान मुजाहिद इस्लाम हजरत अलामा कारी शायद इमरान केलानी सैयद अल्ताफ हुसैन शाह सैयद फैज शाह ने भी किया, जबकि उन्होंने अपने अपने खताब में मौत हयात के फलसफा को आसान तरीके से पेश किया। आखिर में खसूसी दुआ आस्ताना आलिया गजन शरीफ के सजादा नशीन पीर सैयद कैसर आबाद शराजी साहब ने की। खत्मे कुल में चेयरमैन मोहम्मद आजम तारड़, चौधरी तनवीर अहमद, चौधरी अमजद सैन तारड़, SHO मिर्जा खुशनूद अहमद, सेक्रेटरी मिर्जा रियाज व दीगर तंजीम मुगलिया आल पाकिस्तान के मेम्बरान के अलावा दीगर सियासी व समाजी हजरात ने कसीर तादाद में शिरकत की और मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की। रिपोर्ट कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रियाज नवाज तोहीती, TV9। मेरा नाम मियां तालिब हुसैन है और मैं रिंजा खान में रहता हूँ और 99 न्यूज़ में डिप्टी ब्यूरो चीफ हूँ। मेरी तरफ से चीफ एग्जीक्यूटिव साहब को और अहले वतन को 14 अगस्त मुबारक हो और इसके अलावा पाक फौज के जवानों को, आर्मी चीफ साहब को और 14 अगस्त मुबारक हो। और इस पाक फौज की वजह से हमारे कैद मोहम्मद अली जनाब की कोशिशों से ये मुल्क आज़ाद हुआ था। मैं सलाम पेश करता हूँ कश्मीरी बहन भाइयों को और फलस्तीन के तमाम मुसलमानों को। खबर शामिल करते हैं करोड़पक्का से, जहाँ सांगी पेट्रोल पंप के करीब पुलिस की गाड़ी को रीजादे ने टक्कर मारी। हादसे में पुलिस एहलेकार शदीद जख्मी हो गया, रीजादा मौके से फरार। खबर दे आपको मंडी बहाउद्दीन से। तहसील पालिया के हल्का NA85 और PP66 के गांव कोड़ रहमशाह से, जहां हुकूमत ने अवामी मसाइल पसीपुश डाल रखा है, अवामी हल्के मायूसी का शिकार।